हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रदीप सिंह, मैं एनबीए बरेली आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैप मास्टर पर वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है और इसमें प्रमुख जो दर्रे हैं जैसे जोजीला, कराकोरम, बनिहाल, बुरजिल इत्यादि। अब इन दर्रों को हम एक सीक्वेंस में, कौन सबसे ऊंचाई पर है, कौन सबसे नीचे है, कौन किसको कहां से जोड़ता है और कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है, इसको हम लोग रटते हैं और रटने के बावजूद भी ये कंफर्म नहीं होता हो पाता है कि ये चीज जो हमने रटी है एग्जैक्टली हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, और इस दुविधा में वो चीज गलत हो जाती है। अगर आप इसको एक ट्रिक के साथ याद कर लें तो ये चीज हमें आसानी से याद हो जाएगी, ना सिर्फ याद हो जाएगी, हम उसे परीक्षा में प्रयोग भी कर सकेंगे। जैसे मैंने जम्मू कश्मीर के लिए ट्रिक बनाई है, काजू पीकर बनी बलन। एक हमने एक डायलॉग बना लिया जम्मू कश्मीर के दर्रों से संबंधित, काजू पीकर बनी बलन। अब काजू, काजू में पहला शब्द आ रहा है का, तो इसका मतलब हो गया काराकोरम, काराकोरम दर्रा। पी, पी से पीर पंजाब। बनी, बनिहाल। बलन, बुर्जे। काजू पीकर बनी बलन, ठीक। ये कराकोरम भारत का सबसे ऊंचा। जू, जोजीला नंबर टू पर आता है। कराकोरम के बाद हाइट पर दूसरे नंबर पर जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो जोजीला है, उसके बाद पीर पंजाल। ये जो हमने अपना एक सेंटेंस बनाया है काजू पीकर बनी बलन, इससे जम्मू कश्मीर राज्य के सभी महत्वपूर्ण दर्रे कवर हो जाते हैं और उसी सीक्वेंस में हो जाते हैं जो इनको अपने निर्धारित की निर्धारित है। सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, ठीक है। इस डायलॉग को आप याद रखिए, काजू पीकर बनी बलन, ठीक है। आपके जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे क्लियर हो गए। इसी प्रकार हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों के लिए एक और डायलॉग बना लेते हैं, राहुल बड़ा शैतान है। राहुल, ठीक है, रोहतांग दर्रा, बड़ा बड़ा लाचार दर्रा, शैतान सिपकीला। इस तरीके से अगर हम काजू पीकर बनी बलंग ये डायलॉग हमने याद कर लिया तो इससे हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के सारे दर्रे क्लियर हो गए और राहुल बड़ा शैतान है इससे हमारे हिमाचल प्रदेश वाले। अब हिमाचल प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड आता है, यूके। यहां के दर्रों के लिए मैंने एक डायलॉग बनाया है, नीति को मान लिया। देखिए, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिया लिपु लेक। इस तरीके से अगर हम डायलॉग बनाकर एक सेंटेंस बनाकर दर्रों को याद करते हैं तो ना सिर्फ इससे हमारी जो कंफ्यूजन है वह दूर होता है, आसानी से हमें याद हो जाते हैं और हमारी जो तैयारी है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो हमारे को परीक्षा में बेहतर करने का जो एक कहना चाहिए का मौका है वो मिलता है और इससे हमारा आंसर एकदम सटीक जाता है। हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इनके दर्रों को लिए डायलॉग बना लिए। अब आता है सिक्किम। सिक्किम एक छोटा सा उत्तर पूर्व का सेवन सिस्टर स्टेट का राज्य है जो एक तरफ
चाइना, भूटान, दूसरी तरफ नेपाल से मिला हुआ है। यहां पर दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला दर्रा। ध्यान रखिएगा, ये आजकल ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने चाइना के साथ समझौता किया है, जहां पर नाथुला दर्रा का प्रयोग हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरे रास्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस साल से इस रास्ते का प्रयोग किया गया था, जिसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, इसलिए लाइमलाइट में भी रहा, करंट अफेयर्स में भी रहा। नाथुला दर्रा भारत को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। आजकल सीधा सीधा इसी पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा यहां जेलेप का, क्योंकि यहाँ पर दो ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इसलिए इसके लिए कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात हम उत्तर पूर्व के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं, डिफू दर्रा। डिफू दर्रा हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नाम दफा जो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो यहीं पर पड़ता है। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक तैयार कीजिएगा उससे रिलेटेड, तो आपको पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, वहां से संबंधित और भी आप कोई भी चीज है उनको एक ही जगह पर पॉइंट टाइप कर लीजिएगा, पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। जब भी आप रिविजन कीजिए तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। इससे कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर पाएंगे। अब जैसे आपने जम्मू कश्मीर किया, तो इसके साथ से तो आपको दर्रे याद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर किन किन जगहों को टच करता है, भारत के किन राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, इसके निकटवर्ती देश कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन सा दर्रा किस क्षेत्र को। जैसे यहां पर अगर जम्मू कश्मीर वाले की एक बार को फिर से बात करूं मैं, तो जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और जवाहर सुरंग जो अभी तक भारत की सबसे बड़ी सुरंग हुआ करती थी, वो इसी मार्ग पर स्थित है। आप सर्दियों में न्यूज़ सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो जाने की वजह से जवाहर सुरंग बंद हो गई है, जिसकी वजह से घाटी में, ठीक है, कश्मीर घाटी में सामानों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, वहां पर तंगी हो रही है बहुत दिनों से, ठीक है, एक ब्लॉक सा लगा हुआ है। इस तरीके से अगर आप एक चीज के साथ दूसरी चीज रिलेट करते हुए चले जाएंगे, तो आपको ना सिर्फ वह टॉपिक क्लियर होगा, उसके साथ और सारी कई जानकारियां भी आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अब हमने उत्तर भारत के दर्रों को कवर कर लिया है, आइए अब दक्षिण भारत। पहली चीज, दक्षिण भारत में दर्रों को घाट कहा जाता है, ठीक है, पाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, थार घाट, ये तीन महत्वपूर्ण घाट हैं जो दक्षिण भारत से संबंधित हैं, जिसमें भोर और थार घाट ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। पाल घाट तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। एक बार ये पूछा भी गया है कि पाल घाट किसको, पाल घाट बेसिकली कोयम्बटूर, तमिलनाडु का शहर कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, केरल के कोचीन से जोड़ता है। अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, कौन सा घाट है, वो पाल घाट है, ठीक। इसी तरीके से भोर घाट, भोर घाट आपका नासिक को नागपुर से जोड़ता है, और थाल घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कहीं कहीं पर यह लिखा होता है मध्य भारत को नासिक से जोड़ने वाला भोर घाट, थाल घाट। भोर घाट को अगर आप देखिए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सातवाहन काल के जो अभिलेख है वो यहीं पे मिले हैं, ये प्राचीन काल से प्रयोग होता हुआ आ रहा है।
इस तरीके से अगर हम ट्रिक बनाकर इस टॉपिक को तैयार करते हैं तो हमारी ये टॉपिक बड़े आसानी से सहजता से याद हो जाता है और हमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।